तो चलिए दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आपको दिखाने लेकर जा रहे हैं कुछ नया कोयले मील के बारे में। देख सकते हैं अभी प्लांट में आ चुके हैं, अभी बाइक लेकर चलते हैं, फिर देखते हैं सीधा सारा काम। तो चलिए सीधा आपके चलते हैं। चलिए दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं कोयला कैसे यहाँ तक आता है, और हम जा रहे हैं सीधा कोयले की तरफ। देखिए रास्ता नहीं जा रहा है, तो अभी सीधा आपको कोयला गाड़ी में से कैसे निकालते हैं पटरी से, वो तो आपको दिखाएंगे। तो चलिए उसी साइड जा रहे हैं दोस्तों, अब सीधी वीडियो वहीं पर दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों थोड़ा सा पहले चलो आपको इधर दिखा देते हैं। ये है वो इंजन जो डब्बे इकट्ठा करता है, इधर साइड में लेके जाता है वहाँ बंकर में। तो अभी थोड़ा एरिया दिखा देते हैं, पूरा एरिया कोयला है, कोयला सिस्टम है, बाकी इधर आगे कुछ नहीं है भाई। अभी हम बाइक को पीछे घुमाएंगे, इसमें अंदर आने के लिए भी बाइक चाहिए, पैदल नहीं घूम सकते, बहुत तगड़ा रास्ता है। तो दोस्तों ये दो इंजन है यहाँ पर जो कि गाड़ियों को कोयला निकालते हैं। अभी आपको सीधा अंदर लेके जाएंगे, अभी गाड़ी दिखा देते हैं पहले। ये इंजन है इस तरह का, और वो जहाँ पर दो कैबिन दिख रहे हैं वहाँ पर ही गाड़ी का कोयला निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं कोयला मिल की तरफ, जहाँ पर ट्रेनों से कोयला निकाला जाता है। देख सकते हैं यह है वो महकमा, और वहाँ पर जाएंगे हम अभी अंदर, देख सकते हैं। और इधर ये कोयला स्टॉक है, अभी अंदर की जाकर आपको वीडियो दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं, ये है कंटेनर ट्रेन का, और ये इधर छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, ये है इनका डीसी मोटर, यानी कि एसी करंट से चलने वाली है जो इधर आ रही है चली हुई, ये बिजली से चलती है। ये देखिए नीचे गरारी है, इसमें कुछ सेट किया हुआ है। तो यही इस ट्रेन को आगे धकेलते हैं। देखिए दोस्तों ये जो सिस्टम आया है, ये इधर इसमें फिट हो गया है, जो कि भाई साहब ने आपके सामने, तो अभी ये इसको आगे पीछे करने का काम यहाँ से ये करता है। और ये यहाँ से हटा दिया इन्होंने इसके नीचे से स्पोर्ट्स, अभी इसको आगे लेकर जाएगा। देख सकते हो ये इन्होंने एक एसी सिस्टम बना रखा है बिजली से चलने वाले, जो इस इन डब्बों को आगे पीछे करता है, देख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी है यहाँ पर, अभी आपको दिखाते हैं धीरे धीरे इसको ये आगे। ये देखिए धीरे धीरे आगे चल रहा है, जैसे देख सकते हैं पीछे की साइड, देख सकते हैं आप पूरी ट्रेन इस मशीन के जरिए आगे खींची जाती है। और ये यहाँ पर अभी चलने वाली है, तो अभी दिखाते हैं आपको, अभी इसको आगे लेकर जाएंगे डब्बों पर। इंजन का काम होता है सिर्फ यहाँ तक इसको लेके आना, ट्रेन को जो लोडिंग होती है। ये देखिए दोस्तों, अब ये मशीन इसको यहाँ पर सेट कर देगी इसके ऊपर, जहाँ से आपको ये बंदा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ तक ये देखो दोस्तों इस मशीन का काम था, और ये यहाँ पर इससे अलग कर दिया जाएगा, देख सकते हैं आप। और ऊपर जो वो लगा हुआ है हैंडल, वो इस ट्रेन के डब्बे को अच्छी तरह से जकड़ लेता है। अब ये देखिए जहाँ से दोस्तों ये बंदा जा रहा है, ये देखिए ऊपर उठ गया जैक। तो चलिए दोस्तों, अब ये है वो मशीन, देख सकते हैं आप, इस मशीन के जरिए ही इस पूरे कंटेनर यानी कि कोयले के डिब्बे को ऊपर उठाया जाता है, देख सकते हैं आप। ये यहाँ पर खड़ी है इस तरह से, और ये पटरी के साथ साथ ये पूरा डब्बा ऊपर चला जाता है, और उस तरफ पलटी कर दिया जाता है। इधर से भी आप देख सकते हैं, इधर यहाँ पर कोयला जो ऊपर से इसको उठाती है, इस साइड नीचे फेंकता है, ये देख सकते हैं आप दोस्तों, इस तरह से यहाँ कुछ। चलिए दोस्तों, अभी आपको आगे सीधा दिखाते हैं किस तरह से काम होएगा, आइए। तो चलिए दोस्तों, ये है, देखते हैं किस तरह से मशीन, ये नीचे से पूरी पटरी स्मिथ के साथ साथ डब्बे को उठा लेती है कोयले से भरा हुआ, और देख सकते हैं आप इधर किस तरह से पलटी होती है। आपको पहले शायद ही कहीं ये वीडियो दिखाई दे ही होगी, पूरा कंटेनर ही इसके अंदर पलट जाता है।
पूरी ट्रेन का डब्बा ही दोस्तों इधर पलट कर दिया है। कितनी पावर है इस मशीन के अंदर। और अब से दोबारा तो इसी पटड़ी के ऊपर रख दिया जाएगा। तो दोस्तों ये है HPGCL के अंदर जहाँ पर कोयला सिस्टम है, आप देख सकते हैं RX YouTube चैनल के जरिए। ये देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों कंटेनर हो चुका है खाली। तो दोस्तों तकरीबन ये सारी मशीनें इस तरह से हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत ही सभी तरह की। कोयले का डर लग रहा है, ये मशीन पर चल रहा है। इधर से कोयला जब नीचे गिर जाता है तो इस मशीनों में आता है, इधर पीस कराता है, वो देख सकते हैं आप। और देख सकते हैं एक हैवी मशीन इधर लग रही है जो कोयले को ब्रीफ करके इधर लेके इस तरह से चट्टा लगा देती है इसका। और ये यहाँ से इस तरह जाता है ऊपर, एंट्री नहीं होती कीपिंग गेट पास से, देख सकते हैं। इधर से कोयला इन पटों के जरिए सीधा यहाँ पर, यहाँ से उधर कोल मिल में। और अभी आप आगे दिखाते हैं आप कहाँ जाएगा ये कोयला। तो ये कन्वेयर बेल्ट जैसे यहाँ तक आ गए हैं दोस्तों। अब यहाँ से सीधा इधर जाता है, देखिए YC1 से सीधा प्लांट की तरफ। ये देखिए दोस्तों बेल्ट कैसे वर्किंग कर रही है। और ये सीधा हमारे प्लांट की तरफ रास्ता जो जा रहा है, यहाँ से कोयला पीसने के बाद इन फटों के जरिए सीधा प्लांट की तरफ, देख सकते हैं आप। और दोस्तों देखिए काफ़ी देर से हम बाइक पर चल रहे हैं और आपको दिखाई देता है बिल्कुल इसके पास आ गया चिमनी के, देख सकते हैं। और अभी भी ये बेल्ट चल रही है यहाँ तक, बाइक हमारी देख सकते हैं आप 20 की स्पीड पर है। और तो वहाँ से सीधा दोस्तों कोला यहाँ पर आता है मीलों के पास, अभी दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये आ चुकी हैं मीलें, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है बिल्डिंग सी, ये देख सकते हैं आप। सीधा सारा कोयला यहाँ आता है बंकरों में यहाँ से, और इसकी पिसाई होती है और फिर इसके अंदर जाता है, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे, बाकी दिखाएंगे आपको। अभी आ गया हमारा आगे का ऑफिस।